क्या शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे? जमियत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी सनातन धर्मी हैं और हिंदुओं के देवता शंकर और पार्वती हमारे भी माँ बाप हैं। उन्होंने आरएसएस के हिंदू राष्ट्र वाली बात पर कहा कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने कहा कि जिस तरह से चीन में रहने वाला चीनी अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी है, उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। ये तो हमारा मुल्क नाम है। जमियत उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल अयोध्या आया था। इस दौरान मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने साधु संतों के साथ मिलकर आतंकवाद का पुतला फूंका। इस तरह कार्यक्रम पूरे मुल्क में होने चाहिए, किस तरीके ताकि कार्यक्रम क्या है ये बताइए। अमन शांति और कम्युनल हारमोनी, कौमी एकजहती, आपसी भाईचारा पैदा हो और मानो समझे कि ये हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। जमीयत के मुफ्ती इलियास के बयान का विरोध भी शुरू हो चुका है। फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम और बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार हाशिम अंसारी ने इस बयान को गलत बताया। ये उनका सियासी बयान हो सकता है, बहरहाल ये गलत है। हमारा मानना यह है और हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला ने हर जगह पर हर जमाने में पहले नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है। हम सिर्फ उन्हीं नबियों के नाम जानते हैं जो कुरान में है, उनके अलावा जो नाम है वो हम नहीं जानते। लिहाजा जो उन्होंने कहा है वो हम उससे सहमत नहीं हैं और ये उनका बयान बिल्कुल गलत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी मौलाना हैं वो कुरान हिंदुस्तान में रह करके या अरब देश में रह करके कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लहजा जो जुमला मौलाना ने कहा है कि सब एक ही औलाद आदम है, हम हिंदू राष्ट्र के हामी हैं, तो अपना हिंदू राष्ट्र बना लें, हम लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं करेगा।